नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। नेता कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, लेकिन इनकी सेवा बहुत महंगी है। इतनी महंगी कि कई बार तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं, कई उड़ानें रुक जाती हैं, तो कई आम आदमियों के गाल पर पड़ता है नेता का थप्पड़। एक वीडियो दिख रहा होगा आपको, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में कुछ दिखा? मैं बताता हूं क्या। बीते हफ्ते 29 दिसंबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की रैली थी, और जिनकी रैली के काफिले में आधे घंटे तक एम्बुलेंस फंसी हुई। जी हां, आधे घंटे तक। ये जनप्रतिनिधि हैं, ये लोगों के नेता हैं। इस लेवल की संवेदनहीनता, आपको पता है, इसी केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन संशोधन एक्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि मरीज के साथ इस दौरान कोई अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन अगर हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, किसके ऊपर केस चलता, किसको सजा मिलती। ये तस्वीरें आपको आपके नेताओं का सच दिखाती हैं कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है। फिलहाल एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। दो लड़कियां अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहती, एक घर चलाने के लिए नौकरी कर रही है तो वहीं दूसरी पढ़ाई करने गई। लॉकडाउन लग जाता है, दोनों लड़कियों को अपने घर वापस आना था, बस यहां से सारी समानताएं खत्म हो गई। एक लड़की बिहार के बीजेपी विधायक की बेटी थी, जो राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रही थी, वो घर वापस आ गई क्योंकि उसके पिता सरकार का हिस्सा थे, और सारे कानूनों में तोड़ जोड़ कर उसको स्पेशल परमिशन लेकर घर वापस बुला लिया गया। लेकिन दूसरी लड़की की महज उम्र जो 12 साल थी, घर जाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए छत्तीसगढ़ में अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़ी। 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, और चलते चलते रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, घर से सिर्फ 11 किलोमीटर पहले। कोरोना काल ने कुछ सिखाया या ना सिखाया, ये माई बाप कल्चर का एहसास जरूर दिला दिया। ये इस देश के डीएनए में अभी भी जिंदा है। अगर मैं आपसे बताऊं तो वेयर इज द रूल ऑफ लॉ प्रॉमिस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ग्रेट मैन एंड वुमन हु रोट दैट वंडरफुल बुक। ट्रैफिक रोका जाता है, कोई अगर पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी या कोई भी रिसोर्स पर्सन जा रहा होता है, उसकी वजह से इवन एम्बुलेंस तक को रोका जाता है। सिस्टम का प्रॉब्लम है, नॉट दैट, बिकॉज सिस्टम इज नॉट कीपिंग एवरीबॉडी इक्वली। दे हैव टू ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली ना, भले वो प्रधान का बेटा हो, कुछ भी हो, सिस्टम को अपना प्ले करना चाहिए। जो कानून है, कानून अपना रूल करना चाहिए। वीआईपी सिक्योरिटी वीआईपी के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जनरल पब्लिक को इसके कारण कुछ तकलीफ हो। सबके लिए अच्छा से अच्छा ट्रैफिक रूल हो, सबके लिए बराबर हो, और सभी एक समान हों, सब अपने अपने में इंसान है, इंसानियत के नाते सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कोई ऐसा काम है विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, और ऐसा कोई काम विच इज़ नॉट फॉर द सर्विस ऑफ पीपल, तो आप लोगों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, रादर देन टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर पोजिशन कि आप जल्दी से निकल जाओ किसी सिचुएशन। टैलेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ पोजिशन, सो अगर जनरल में ज़्यादा टैलेंट है दैन अ वीआईपी पर्सन, तो उसे प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी पर्सन को। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र में गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होती है, लेकिन यहां तो बस ऑफ द वीआईपीज, बाय द वीआईपीज एंड फॉर द वीआईपीज है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पत्रकार आदित्य सिंह। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहले तो आदित्य, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो कल्चर है, ये जो वीआईपी कल्चर है, इसका अंत है? क्योंकि लाल बत्तियां तो हटा दी गई, लेकिन इनके जो दिमाग में लाल बत्तियां हैं वो कैसे हटेंगी? बिल्कुल काविंद्र, आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से जो कई सारे मामले और इस तरह की तस्वीरें जब हमारे आम जनता के सामने आती हैं, तो ये बेहद ही एक संवेदनशील घटना कहलाती है। और साथ ही साथ जिस तरह से चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे अफसर शाही हो, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अफसर जो होते हैं उनमें शाही शब्द जुड़ जाना, यही एक 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 जो है लेवल हो जाता है शाही का, कि उनको जो है कई सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे आपको सरकारी कुनबा हो, चाहे आपके साथ जो है कई सारी जो है उनको सुविधाएं दी जाती हैं, और साथ ही साथ हमारे जो नेता होते हैं उनको जो है जिस तरह से पेंशन की व्यवस्था की जाती है, उनको एक सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, और फिर उसके साथ ही साथ उनकी रैली में इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं, तो बहुत ही विचलित करती हैं। और एक जिस तरह की आपने बताया कि एम्बुलेंस जो जा रही थी उसमें नेताजी का जो स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उनकी रैली थी उसमें उनको एम्बुलेंस को रोका जाता है, और उस दौरान अगर कोई घटना घटित हो जाती तो वाकई संवेदनशील जी होते। बिल्कुल,
एम्बुलेंस इंपॉर्टेंट है कि नेताओं के काफिले इंपॉर्टेंट है, ये कैसे समझ में आएगा? इन लोगों के दिमाग में ये बात कैसे आ सकती है, कैसे घुसेड़ी जाएगी इन लोगों के? क्योंकि प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो वीआईपी कल्चर है इसका खत्म होना बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं जो इनके मंत्री हैं जो पलीता लगाते हैं, ये वही बात तो नहीं है जो प्रधानमंत्री ने एक बार संसद में कही थी कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं, जो उनके लिए कहा था मनमोहन सिंह के लिए, पूर्व प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो इन पर भी लागू नहीं हो जाती है बात? बिल्कुल काबेंद्र, यहाँ पर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, नेता बात प्रतिबद्ध करते हैं जरूर, लेकिन इससे जो वीआईपी कल्चर है इससे कहीं भी अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। और चाहे आप कोरोना काल में हो, चाहे आप किसी भी अफसरशाही किसी भी समारोह में जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर साफ तौर से देखा जाता है। और साथ ही साथ जो है वहाँ पर कई, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले चित्रकूट में इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें जो है यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो है रैली कर रहे थे, साथ ही साथ वहां पर जो है चित्रकूट में डबल मर्डर के दौरान धरना प्रदर्शन चल रहा था। जी, धरना प्रदर्शन चल रहा था, इनके दिमाग में जो ये बत्ती जल रही है, इस बत्ती को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार के जो वरिष्ठ नेता है, जो प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बात करूं, लगातार इस वीआईपी कल्चर पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, प्रहार करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन ये इनके दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है? जो एमपी है, जो बीजेपी के एमएलएज हैं या फिर तमाम दूसरी पार्टियों के जो एमएलएज हैं, इनके दिमाग में ये बात कैसे घुसेगी? ये जो इनका जो एटीट्यूड है, जो ये नेता का जो कल्चर है वीआईपी कल्चर, ये सुपर बत्ती कल्चर क्यों बनता जा रहा है, इस पर कैसे चोट करनी होगी? देखिए काबेंद्र, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये चुने जाते हैं जनता द्वारा जनता की सेवा के लिए, पर इसके विपरीत जब वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो इसके विपरीत इस तस्वीरें और स्थितियां दिखाई देती हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ का और बताना चाहूँगा कि आपको बता दूँ कि पहले जो है जिस तरह से नीली बत्ती को जो लेकर कई सारी चर्चाएँ हुई थी, साथ ही साथ जो है 2017 में सीएम योगी आए, उन्होंने वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाते हुए, कह सकते हैं ये लगाम जो है अब ढीली हो चुकी है पूरी तरह से, और साफ दिखाने जो देखने लायक है वो नहीं। लगाम है जो इतनी ढीली होती जाती है, ये कैसी लगाम है? लगाम में क्या ताकत नहीं है, क्या है इस लगाम में? बिल्कुल काबेंद्र, कह सकते हैं कि जिस तरह से सीएम योगी ने जो कहा था कि नीली बत्तियों का अफसरशाही प्रयोग नहीं की जाएगी, और यहाँ पर जो है साथ ही साथ जो है अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, लेकिन साथ ही एक चीज़ और देखने को यहाँ पर मिलती है, ये लोग जो है कहते हैं कि हम जो है जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की सेवा करने आए हैं, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जो है सिर्फ एक सत्ता का भोग करने आए हैं, और जो एक चाहे उसको चाहे आप एक तरह से देख सकते हैं, कह सकते हैं कि उसका पूर्ण रूप से जो है लाभ उठा रहे हैं। ये प्रिविलेजी है जो इनके दिमाग में सर चढ़कर बोल रहा है, ये जरूर टूटेगा और इसको तोड़ना हमारी, आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा मैं आपसे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं आदित्य जी, आपने हमें तमाम जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें जो हैं, जो लगातार मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि विंडो में चलाइए, ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार देखिए, आप इसको समझिए, कोरोना में आपके लिए लाठी थी तो उनके लिए लाइसेंस था, ये लाल बत्ती कल्चर नहीं है, ये सुपर बत्ती कल्चर है। आपको हरियाणा का एक मामला समझाता हूँ, हरियाणा में लाल बत्ती खत्म हो गई, लाल झंडा तैयार हो गया है, अब विधायकों की कार में लाल झंडे लगे मिलेंगे, जो दिखाएंगे कि वो तुर्रम खान है, अलग से उनको दिखाएंगे, अलग से उनको पर्टिकुलरली उनको अलग करेंगे। इसकी बात करते हुए जब हरियाणा के विधानसभा स्पीकर से बात की गई तो उनका कहना था कि विधायकों को टोल प्लाजा और बाकी जगहों पर परेशानी हो रही थी, इसलिए अलग दिखाने के लिए, लोगों से अलग नजर आने के लिए फ्लैग लगाने की अनुमति दी गई है, लाल बत्ती हटाकर लाल झंडे दे देंगे। पर क्या पड़ा, आप उन्हें चिन्हित नहीं कर रहे हैं, आप अलग से दिखा रहे हैं कि आप आम लोगों से अलग हैं, आप आम लोगों से अलग हैं। ये तमाम जो वाक्यात हैं एक चीज़ की याद दिलाते हैं कि ये सरकारी खर्चे पर पलते ये वो महाराजा हैं जिनके हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। प्रधानमंत्री इनकी गाड़ी से लाल बत्ती तो हटा देंगे, लेकिन इनके दिमाग में ये जो लाल बत्तियां हैं ये कैसे हटेंगे? एक और वाक्य है 2017 में इम्फॉल के केंद्रीय मंत्री, जो कि काफ़ी फेमस रहा था, खबरों में रहा था, सुर्खियों में रहा था, केजे अल्फोंस की फ्लाइट आनी थी जिसको लेकर बाकी फ्लाइट्स को घंटों तक बिना नोटिस के रोक दिया गया। इसके बाद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जा रही एक महिला ने मंत्री जे अल्फोंस को खूब खरी खोटी सुना दी, और सुनाते सुनाते उस महिला के आंखों में आंसू आ गए। क्या नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती कि एवरीवन हैज अ लाइफ एंड एवरीवन हैज टाइम कॉन्स्टेंट्स? क्या इतनी सी बात समझाने के लिए क्या करना होगा? प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं, तमाम देश के लोग बोलते हैं कि वीआईपी कल्चर को रोकना है, एंड करना है, ये कब रुकेगा? तमाम ऑथरों की भी बात कर लेता हूं, तमाम ऑथर जो जिस तरीके से लिखते हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं जो बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी थी राग दरबारी,
उसमें उन्होंने अपनी किताब में एक जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर गुप्त रोग से पीड़ित किसी कार्यकर्ता को जो अपेक्षित है उसको मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन बनने की चिट्ठी आ जाए तो उसका क्या हाल होता होगा। यही हाल होता है उनका, जिनकी जगह दरअसल सड़क पर है लेकिन वो कई कारणों से चुनकर संसद में आ जाते हैं और वहां पर वो जो करते हैं उसको गंद मचाना बोलते हैं। मैं यहां उस किस्से की बात कर रहा हूं जब सत्ता के नशे में चूर शिवसेना का एक सांसद एयर इंडिया के क्रू मेंबर को सिर्फ इसलिए पीट देता है क्योंकि उसे बिजनेस क्लास में बैठना था। और इत्तफाक की बात बता दूं आपको कि जब उसे बिजनेस क्लास में बैठना था और जब वो पीट रहा था उसको यही नहीं मालूम था कि उस फ्लाइट में बिजनेस क्लास थी ही नहीं। सत्ता के नशे में चूर होने के बाद कई बार नेता बेशर्म हो जाते हैं तो कई बार बेहया। और इन जैसे नेताओं के लिए तो मैं एक बात कहूंगा कि ये ढीठ हो चुके हैं, ये मानने वालों में से नहीं है, ये ढीठ है। फिलहाल फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा और आपका पारा सुनते सुनते बढ़ जाएगा, इसलिए तमाम इन चीज़ों के साथ एक आपको इस जगह पर छोड़ के जाता हूं कि आप इस चीज़ को समझें कि इस वीआईपी कल्चर से इस देश का कितना नुकसान हो रहा है, ये देश किस तरह बढ़ रहा है। आम लोग आम हैं और जो लोग नेता हैं जो कहते हैं कि वो दरअसल जनता के लिए यहाँ चुनकर आए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को सोचिए समझिए और ज़रूर इन पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।